हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? बस आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे, 1 मिनट का बस। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है, बस कुछ अर्जेंट था, वो अभी करना पड़ेगा। हाँ जी, चलिए पढ़ लो पढ़ लो, पहले पेपर दे लो, फिर तुम्हारे साथ में बैठ कर शायरी शायराना होगा, ठीक है? हाँ जी, चलिए, तो हो गया है, करते हैं स्टार्ट। हाँ, और आज कुछ क्लास इस प्रकार से रहेगी, कुछ इस प्रकार से रहेगी। किस प्रकार से रहेगी कि लास्ट क्लास में एक तो हमने स्टैटिक को नहीं लिया था, सारे ही करंट अफेयर्स हम लेते हुए चले थे लास्ट वाली क्लास में, तो इस बार मैंने करंट के साथ साथ स्टैटिक भी डाली हुई है। और दूसरी चीज, बहुत सारे आपका जो है हजारों बच्चों के मेरे पास मैसेज ये आए थे कि सर ठीक है, आपने करा रखा है पहले से सब्जेक्टिव हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह, लेकिन उसके क्वेश्चंस का एक रिवीजन तो करवा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं मैराथन में भी करवा दूंगा, लेकिन मैंने आज ही क्या किया, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं जिनका मैं सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो एक स्पीड में ये स्पीड सेशन रहने वाला है, काफी स्पीड में ये सेशन रहेगा आप लोगों का। हम इसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी स्टैटिक करंट अफेयर सारे लेते हुए चलेंगे, क्योंकि करंट मैंने उस दिन सारे करवाए थे, तो आज मैंने लास्ट में रखे हुए हैं। बाकी आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी बड़ी बड़ी दो मैराथन्स आप लोगों की मैं लूंगा, जिसमें मैं लगभग सारे करंट अफेयर्स को ही डील कर रहा हूँगा, क्योंकि आज मैंने काफी सारे क्वेश्चंस इसके रख दिए हैं, ठीक है ना? बाकी और स्टैटिक के तो रखेंगे ही रखेंगे करंट के साथ साथ। आ जाओ जरा देखो फटाफट से, तो इनको थोड़ा सा हम जल्दी करते हुए चलेंगे और फटाफट से करते हुए चलेंगे, तो उस चीज के लिए आप लोग क्या रहेंगे, थोड़ा रेडी रहेंगे। हाँ चलिए, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम, है किस गेम से रिलेटेड है? हाँ भाई, किस गेम से रिलेटेड है? बस तुम कमेंट ही करते रहोगे, आंसर से देना स्टार्ट करोगे। देखो एक मेरे सामने गधा बैठा है जो कह रहा है फुटबॉल से है, तुम बताओ किस से रिलेटेड है? अरे जो अभी होने वाला है, अभी गेम है ना, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद में 7 बजे से किसका है, इंडिया और श्रीलंका का। तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा, क्रिकेट चला जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, फटाफट से उड़ाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा ना तेरे को। चलो ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंडिया का मेंबर बना था 1966 में बना था। फटाफट से बस लिखते रहना, सजाना नहीं है, जल्दी से आज कम से कम 200 क्वेश्चंस उड़ाने स्टार्टिंग के 2 घंटे में। इंडिया कब बना था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेंबर 1966 में बना था। आप मेरे को फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपका जो है, एशियन एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, जल्दी से बताओ फटाफट से। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ नील दर्पण, यदि मैं नील दर्पण की बात करूं तो नील दर्पण क्या हुआ करता था, बेसिकली जो है प्ले हुआ करता था, और ये प्ले किससे रिलेटेड है, इंडिगो वर्कर्स की जो है हालत से रिलेटेड है। इंडिगो रिवोल्ट चलाया गया था, ये इंडिगो रिवोल्ट कब चला था, 1857 की क्रांति के बाद में ये रिवोल्ट चलाया गया था, 1859-60 की ये बात है, 1859-60 की ये बात है। वेस्ट बंगाल में बेसिकली जो है ये रिवोल्ट चलाया गया था कि किसानों को इंडिगो उगाने के लिए जबरदस्ती प्रेशर किया जाता था, और इंडिगो जो है, नील जो है, वो फायदे का सौदा नहीं हुआ करता था किसानों के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है, भूमि जो है उसकी उर्वरक शक्ति जो है बेसिकली वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर किसी ने 5-6 साल इंडिगो उगा लिया तो बंजर हो जाती थी जमीन। तो उसके लिए वहां के दो जो है भाई हुआ करते थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, जिन्होंने इस मोमेंट को स्टार्ट किया था कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। तो उस समय इसको अलग अलग लोगों ने सपोर्ट किया था, जैसे न्यूज़पेपर्स वालों ने, एडिटर्स वालों ने, आपका जो राइटर्स हुआ करते थे। उसी समय एक जो है प्ले हुआ करता था नील दर्पण, वो नील दर्पण किसका प्ले था, दीनबंधु मित्रा का वो प्ले था।
एक पूछा जाता है, इसको सपोर्ट करने वाला न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर का नाम है हिंदू पैट्रियट। तो कोई मुझे बताएगा, हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर किसका हुआ करता था? हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर किसका हुआ करता था? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय की यदि हम बात करें तो राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने, इनका कुछ स्पेशल कारण था, क्योंकि अपनी पेंशन बचाना चाहते थे, उसके रिगार्डिंग ये उपाधि दी गई थी, वो अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल यह है किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। किसी ने बताया हिंदू पैट्रियट तो नहीं बताया अभी तक, कोई बात नहीं, मैं खुद ही लिख देता हूँ, हरिश्चंद्र मुखर्जी, क्योंकि लगता है तुम लोग भूल गए हो। नेवी एमआर का पेपर इससे बाहर, भाई साहब नेवी एमआर के लिए इतना बेनिफिशियल होगा, जिन्होंने पहले दिया है उनको पता होगा। चलो, हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, चलो नेक्स्ट। हाँ, इंग्लैंड जाने के लिए, बहुत बढ़िया। फिलीपींस में क्या है, मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, एचसी मुखर्जी आ गया आंसर। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता? सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता किस एक्ट के अकॉर्डिंग खोला गया था? तो ये सुप्रीम कोर्ट जो बना था, वो बना था रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग। रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग ये बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। और इसके अकॉर्डिंग ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था, ये जो कलकत्ता में बनकर के तैयार हुआ था, ये कब हुआ था? 1774 में। इसमें जो सबसे पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन चीफ जस्टिस का नाम क्या था? एलिजा इम्फे। क्या नाम था? एलिजा इम्फे। एक्चुअली इस कोर्ट को जो बनाया गया था, वो बनाया गया था कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रह रही है, जो ब्रिटेन की कंपनी है, वो यहाँ पर रिश्वत वगैरह ना ले, प्राइवेट ट्रेड वगैरह ना करे। अगर करती है तो उससे रिलेटेड केस कहाँ चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में। घूस वगैरह ना ले, रिश्वत ना ले, वो बात अलग है कि खुद एलिजा इम्फे के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लग गया था, फिर उनके ऊपर जो केस चला था वो ब्रिटेन में चला था, ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं। तो इसको बनाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? एलिजा इम्फे थे। और बाद में जाकर के यही जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट में कन्वर्ट हो गया था। तो कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या बन गया था? हाई कोर्ट बन गया था। कब? 1862 में। इसका मतलब भारत में सबसे पहला हाई कोर्ट कब बना था? 1862 में बना था। कौन कौन सा वो हाई कोर्ट था? एक था कलकत्ता का, एक था मद्रास मद्रास का, और एक था बॉम्बे का। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में, जिसके तहत भारत में तीन हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी एक साथ 1862 में। इसका मतलब भारत में स्टार्टिंग में तीन हाई कोर्ट बने थे एक साथ 1862 में, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 के अकॉर्डिंग। और सुप्रीम कोर्ट क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे। फिर फाइनली आज जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, उसकी नींव कब रखी गई थी? 1937 में। जो 1935 का एक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग 1937 में एक फेडरल कोर्ट बनकर के तैयार हुआ। उसी फेडरल कोर्ट का नाम 28 जनवरी 1950 को बदल करके क्या रख दिया गया? सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया। हाँ भाई, लेट हो गया? कोई बात नहीं, लेट हो गया, अभी फटाफट से देखते रहो। नेवी एसएसआर के लिए भी है भाई, बिल्कुल है भाई। वन डे एग्जाम में जहां जहां जीएस आती है सबके लिए है। जो अपर एग्जाम से उनका बेसिक्स हो जाएगा, और जो छोटे एग्जाम से उनके लिए क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या है? हाँ जी, नेक्स्ट। अरे पार्टी की बातें बाद में करेंगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से इसको तो उड़ाते हुए चलना है। ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग? खून के थक्के के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो खून के थक्के के लिए जो विटामिन जिम्मेदार है वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। विटामिन ए किसके लिए हो जाएगा? आंखों के लिए। किसके लिए हो जाएगा? आंखों के लिए। पूछ लेता है कई बार, आंखों के लिए एसेंशियल विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन ई बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, कोई फेस पे लगा रहा होता है, तो कोई बालों में लगा रहा होता है ना, चमक दमक के लिए। चलो आ जाओ, तो फटाफट से इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के वन। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री? जिसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। यदि हम इंडिया की बातें करें तो सबसे पूछा है पहले है बिहार। बिहार की किससे लगती है? नेपाल से लगती है, तो ये तो हो नहीं सकता। यदि मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की भी लगती है और मेघालय की लगती है। छत्तीसगढ़ बीच में पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ की कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरे हिंदी में क्या करोगे जान करके, सीधा सीधा इसी को देखो। हिंदी इंग्लिश सब एक ही है यार, इस चीज की भी हिंदी जो है मैं दो दो बार लिखूंगा, तो आप बताओ स्पीड आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। ऐप पर सब कुछ पढ़ा है आपने, इसीलिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
हाँ आपको डिटेल में मैंने सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे कराई रखी हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो या जो भी है। आ जाओ नेक्स्ट, हरिद्वार इज वेल नोन। अब क्या कहोगे, गंगा रिवर के लिए? हाँ जी हाँ, वो तो है ही, पवित्र स्थल तो है ही, लेकिन इसके अलावा ऑप्शंस में से कौन सा जा रहा है? तो हरिद्वार में BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए क्या है, हरिद्वार काफी फेमस है, यहाँ तक हमारा ध्यान नहीं जाता है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिद्वार इज वेल नोन फॉर द हैवी इलेक्ट्रिकल्स। ये क्वेश्चन पता है किसका है, NDA के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, PYQ, NDA का PYQ है ये वाला क्वेश्चन, ऑलरेडी NDA में आ रखा है, प्रीवियस ईयर उठा करके देखना आप लोग जो है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज द ब्लैक एक्ट, निम्न में से किसे ब्लैक एक्ट कहते हैं, ब्लैक एक्ट किसे कहा जाता था, काला कानून, नो दलील, नो वकील, नो अपील कानून, ये भी पूछ लेता है कई बार, नो दलील, नो वकील, नो अपील, ना कोई दलील होगी, ना कोई वकील होगा, ना कोई अपील होगी, ना आपको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, ये कानून किसे कहा जाता है? अच्छा, दलील हो सकती है, इसका मतलब क्या होता है, आपको बताया जाता है, आपको वारंट दिखाया जाता है, तब अरेस्ट किया जाएगा, नो दलील, नो वकील, वकील से मिलने का अधिकार होता है आपका, और अपील 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नियरबाई मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है, ये सारे राइट्स आपको कौन सा आर्टिकल देता है? तो ये सारे राइट्स आपको कौन सा आर्टिकल देता है प्रेजेंट टाइम में, ये आपको देता है आर्टिकल नंबर 22, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कौन कौन से तीन राइट्स? सबसे पहले वारंट दिखाने का या ग्राउंड बताने का अरेस्ट करने का, दूसरा आपका जो है वकील से मिलने का अधिकार, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 24 घंटे के सामने, 24 घंटे के अंदर नियर बाई मजिस्ट्रेट से मिलने का अधिकार या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार, फिर वो बताएगा क्या करना है, ठीक है ना, ये आर्टिकल 22 देता है। लेकिन वो कौन सा कानून था जिसमें ना कोई दलील थी, ना कोई वकील थी, ना कोई वकील था, ना कोई अपील थी? वो कानून था जिसको हम बोलते हैं एन एक्सटेंशन टू द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, जिसका एक्चुअल नेम था एनआरकेल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। वो कौन सा कानून था जिस कानून के विरुद्ध गांधी जी ने बनाई थी सत्याग्रह सभा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्याग्रह सभा। तो वो कौन सा कानून था जिसके विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी, जिसके कारण प्रोटेस्ट बहुत ही खतरनाक हो रहा था, और प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो गया था पंजाब में कि जिसकी वजह से जलियांवाला मासकेयर हुआ 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919, 1919 क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मासकेयर, जलियांवाला बाग मासकेयर। तो ये था भाई साहब आपका रॉलेक्ट एक्ट, आप लोग अब तो समझ ही गए होंगे कौन सा रॉलेक्ट एक्ट, काला कानून जिसे कहते हैं, कब आया था, 1919 में आया था, जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें हुई, है ना। नेक्स्ट, 13 अप्रैल को हुआ था जलियांवाला बाग, बिल्कुल पंजाब के अमृतसर में। अगला क्वेश्चन, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, रोलेक्ट एक्ट। यदि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करूं तो इसको खत्म किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने मोनोपोली खत्म करी थी, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म करी थी, और दूसरा इंडियन एजुकेशन के लिए या एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एजुकेशन के लिए क्या दिए थे, 1 लाख रुपए दिए थे, इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। और रेगुलेटिंग एक्ट से तो बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बन गए थे, वॉरन हेस्टिंग बन गए थे। अब कोई मुझसे ये मत कहना कि सर थोड़ा सा क्लियर लिखो और थोड़ा सा स्लो लिखो ताकि हम भी लिखते हुए चले, नहीं भाई इतना समय नहीं है, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, अरे भाई अभी करते जाओ फटाफट से। नेक्स्ट, PDF तो मिलेगी ना, लास्ट की नहीं मिली क्या, सारे नहीं मिलेंगे लेकिन इनमें से मिलेंगे, मतलब जो आपके सारे होंगे वो इनमें से मिलेंगे। ये सारे कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि आपके तो क्वेश्चन ही 6-7 क्वेश्चन आते हैं बस, मैक्सिमम कहीं पे 5-6-7 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, PDF भी मिलेगी, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड की ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या हुआ करती थी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, एनडीए में भी पूछा गया इस क्वेश्चन को, गुप्ता
गुप्ता कॉलेज पीरियड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी वो क्या होती थी? संस्कृत होती थी। क्या होती थी? संस्कृत। नेक्स्ट, मरियाना ट्रेंच कहां पर पड़ती है? तो भाई साहब मरियाना ट्रेंच पड़ती है, ट्रेंच क्या होती है? समुद्र के अंदर का जो गड्ढा होता है जिसको हम खाई कहते हैं, नॉर्मल जमीन पर होता है खाई कह देते हैं, लेकिन समुद्र के अंदर की जो खाई होती है उसी को हम ट्रेंच कहते हैं। तो ट्रेंच नॉर्थ, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। तो ये जो ये ओशियन है जो कि एशिया के ईस्ट में पड़ता है, यहां पर जापान के आसपास, यहां पर पड़ती है क्या? मरियाना ट्रेंच। तो मरियाना ट्रेंच कौन सा ओशियन हो जाएगा? ये वाला और ये वाला, पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक का भी ये वाला ईस्टर्न हो जाएगा, ये वाला वेस्टर्न हो जाएगा, तो वेस्ट पैसिफिक ओशियन। वेस्ट पैसिफिक ओशियन ऑप्शन नंबर बॉय। महासागर के अंदर समुद्र होता है, ओशियन के अंदर, जैसे इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के अंदर क्या? अरेबियन सी है, समझ गया ना? क्लियर है भाई? नेक्स्ट सर, आप विटामिन ए ले लो भाई। मैं ये इसलिए लगाता हूं कि सुबह से शाम तक फोन से लेकर के लैपटॉप से लेकर के, और पढ़ाना भी किस पर है? बोर्ड पर है। सामने देखें तो कैमरा है, इधर देखें तो स्क्रीन है, इधर देखें तो बोर्ड है, उधर देखें तो आपका चलाते हैं तो फोन है, कहीं लैपटॉप है। बस सुबह से शाम तक जिंदगी किससे है? यही जो डिजिटल चीजें हैं इनके आसपास जो घूम रही है। तो इससे क्या हो, समस्या ना हो। अगला, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड? इंडिया डिवाइडेड के ऑथर कौन है? राजेंद्र प्रसाद। किसके हैं? राजेंद्र प्रसाद। अच्छा बताओ, इरा ऑफ डार्कनेस के कौन है? इरा ऑफ डार्कनेस के कौन है? पहले भी बताया था, पूछा गया है, बताओ आप फटाफट से, इरा ऑफ डार्कनेस के कौन है ना? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कौन है? जवाहरलाल नेहरू। शशि थरूर किसके हैं? इरा ऑफ डार्कनेस के हैं। नेक्स्ट, प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है? प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है? निम्न में से कौन सी इग्नियस रॉक नहीं है? गैब्रो है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डोलोमाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा हो जाता है? यदि हम सन से लेकर के चलें तो सबसे पहले कौन सा हो जाता है? मरकरी हो जाता है। मरकरी के बाद कौन सा हो जाता है? वीनस हो जाता है। फिर कौन सा हो जाता है? अर्थ हो जाता है। फिर कौन सा हो जाता है? मार्स हो जाता है। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जुपिटर से छोटा पहले नंबर पर सैटर्न, यूरेनस तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर नेपच्यून, पांचवें नंबर पर अर्थ, छठवें नंबर पर वीनस शुक्र, सातवें नंबर पर मंगल और आठवें नंबर पर कौन सा है आपका, जो है मरकरी है सबसे छोटा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला, वेयर इज नाटो हेडक्वार्टर लोकेटेड? नाटो के हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप? 1930 में हुआ था फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप, 1930 में। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, आज दूसरे स्टूडियो से ले रहा हूँ मैं क्लास, बिल्कुल। इन विच ईयर, ये हो गया फीफा वर्ल्ड कप हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर गोवा वॉज टेकन बाई इंडिया? गोवा को इंडिया के द्वारा ले लिया गया था। गोवा, सबसे पहली बात तो गोवा किसके अंडर हुआ करता था? गोवा हुआ करता था पुर्तगीज के अंडर। किसके अंडर? पुर्तगीज के अंडर। और पुर्तगीज के अंडर हुआ था। पुर्तगीज ने गोवा को कब कैप्चर किया था? 1510 में। 1510 में बीजापुर के सुल्तान से। किससे? बीजापुर के सुल्तान। और बीजापुर का सुल्तान कौन हुआ करता था? तो भाई साहब
बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह। कौन था? आदिल शाह। आदिल शाह से, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को ले लिया था किसने? पुर्तगीज ने। और इसके साथ साथ इसके बाद बेसिकली जो है, अच्छा ठीक है ना, ये ले लिया था। और इसके बाद में 1511 में किसको ले लिया था? मलक्का को ले लिया था। और बाद में जाकर के 1510 से, सबसे पहले लेकर के यहां से लेकर के और 1961 तक ये ब्रिटिश, इसके पुर्तगीज के पास रहा है। 1961 में हमने इसको लिया है, तो 1961 ऑप्शन 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 बॉय। नेक्स्ट, पीडीएफ भाई टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में होगा। अगला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच कंट्री? निम्न में से किस कंट्री से? भाई इजिप्ट से, मिस्र से पास होती है, अल्जीरिया से होती है ना, इंडिया से तो होती ही होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने राज्यों से निकलती है? इंडिया के 8 स्टेट से होकर के निकलती है। 8 स्टेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? याद बताया था मैंने, गर्म चीज बदतमीज, है ना, गर्म चीज बदतमीज, आपको 8 स्टेट याद होंगे। दूसरा क्या है? ईरान, ईरान से होकर के नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मरियाना ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में कैसे होगा? देखो मैंने आप लोगों को बताया कि ये यहां पड़ता है, तो ये वाला कौन सा है? पैसिफिक है। और ये वाला भी कौन सा? पैसिफिक है। अब आप लोग क्या सोचेंगे, ये ईस्ट में है तो पैसिफिक ईस्टर्न पैसिफिक होगा, ये वेस्ट में है तो वेस्टर्न होगा। नहीं, आप इसको क्या करो, ये वर्ल्ड मैप को ऐसे करके जोड़ दो ना भाई। आप जो वर्ल्ड मैप देखते हो वो दीवार पे ऐसे लगा रहता है, लेकिन ये क्या है? गोला है ना। और जब आप इसको जोड़ दोगे, जोड़ करके ये वाला हिस्सा भी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये वाला हिस्सा भी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ आ जाएगा साउथ अमेरिका, और ये बन जाएगा पैसिफिक ओशन। अब बताओ ईस्ट में पड़ा के वेस्ट में पड़ा, क्योंकि ये वाला जुड़ करके आगे से धरी तो आ जाएगा। अब बताओ ईस्ट में पड़ा के वेस्ट में पड़ा, तो वेस्ट में पड़ेगा ना। आंसर कब लेंगे क्लास? जल्दी ले लेंगे भाई, कल या परसों में ले लेंगे। कहाँ से ले रहे हो? अरे तुम्हें क्या करना है, कहाँ से ले रहे हो? तुम क्लास पे ध्यान दो। वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग वॉज एडॉप्टेड, सबसे पहली बात तो वंदे मातरम, इसको नेशनल सॉन्ग कब माना भारत ने? तो वो उसकी बात कर रहे हैं, तो 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों को क्या किया था? स्वीकार किया था। यदि हम बात करें नेशनल फ्लैग की, तो नेशनल फ्लैग को कब स्वीकार किया गया था भाई? नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। इसको बनाया किसने है? पिंगेली वेंकैया जी के द्वारा बनाया गया। इसको पिंगेली वेंकैया जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, पिंगेली वेंकैया जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। तो आपसे क्या पूछ रहा है? वंदे मातरम किसका हिस्सा है? आनंद मठ का। ऑप्शन नंबर डॉग, आनंद मठ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिख रहे हो? हाँ, अगला क्वेश्चन, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है, इजिप्ट में पड़ता है, इंडिया में पड़ता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है? कहां पर पड़ता है? और ये इसने बताया है, हमारे यादव जी ने आंसर बताया है। क्या बताया है? तुम बताओ पहले, तब बताऊंगा मैं यादव ने क्या बताया है। चरण सिंह बफरिंग हो रही है, तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, क्लास बंद करो, घर पहुंचो। ए बेकार की, चल भाई तेरे बात सही है, सबने आंसर ये दे रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको लॉक कर देते हैं। तो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है? कैनबेरा है। कोई मुझे बताओ इजिप्ट की कैपिटल कहाँ पर है, फटाफट से बताओ। अरे मिस्र तो हिंदी में कहते हैं, मिस्र है। बताओ भाई कैपिटल बताओ जरा इजिप्ट की। व्हाट इज द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के मेंबर का टर्म कितना होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर का टर्म कितना होता है? 5 साल का होता है। कितना होता है? 5 साल का। और राज्यसभा के मेंबर का टर्म कितना होता है? 6 साल का होता है। और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इलेक्शंस के लिए मिनिमम एज, तो मिनिमम एज यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 साल हो जाती है, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 साल हो जाती है, प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज 35 साल हो जाती है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए
मिनिमम एज कितनी हो जाती है? 35 साल हो जाती है। गवर्नर के लिए मिनिमम एज कितनी हो जाती है? 35 साल हो जाती है। पंचायती राज के लिए मिनिमम एज कितनी हो जाती है? पंचायती राज के लिए मिनिमम एज हो जाती है 21 साल। वोटर्स के लिए मिनिमम एज कितनी हो जाती है? वोटिंग के लिए मिनिमम एज कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है। तुम्हारी कुटाई करने के लिए मिनिमम एज कितनी हो जाती है? नहीं भाई, कुटाई नहीं किया करते। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। पहले 7 हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978 में। 30 साल या 25 साल? भाई 25 लोकसभा की है, राज्यसभा की 30 है, पंचायती राज की 21 है, गवर्नर की 35 है, वाइस प्रेसिडेंट की 35 है, प्रेसिडेंट की 35 है, वोटिंग की 18 है। 30 होगा तो अब बताओ राज्यसभा के लिए कितना होगा? 30। तो मेंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 6 साल हो गया। बचपन से ही शुरू हो जाती है। अच्छा नेक्स्ट। ओ 29 मिनट में 20 क्वेश्चन हुए हैं क्या? जल्दी। लॉर्ड कर्जन इज बेस्ट नोन। लॉर्ड कर्जन किस लिए फेमस है भाई साहब? पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। किसके लिए? पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के लिए। इसके खिलाफ कौन सा मूवमेंट चला था ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसके अगेंस्ट में जो मूवमेंट चला था उसका नाम बता जल्दी से। जल्दी से, जल्दी से। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है ना? कौन सा मूवमेंट चला था? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल में कौन चला रहे थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट। अच्छा ये 1909 का एक्ट किस लिए फेमस है पता है तुम्हें? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिम्स के लिए, पृथक निर्वाचन मंडल हिंदी में लिख लो, फॉर मुस्लिम्स, पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट। अच्छा यूनिवर्सिटीज एक्ट भी इसके समय पे आया था लेकिन ज्यादा फेमस जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमिटीज वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इन टू द मैसकेर, द जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग मैसकेर के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा कौन सी कमेटी बनाई गई थी? साइमन कमीशन बनाया गया था 1927 में, जो 1928 में भारत में आया था। हंटर कमेटी, कौन सी कमेटी बनाई गई थी? हंटर कमेटी बनाई गई थी। अच्छा आईएनसी के द्वारा कौन सी कमेटी बनाई गई थी? चल जल्दी से बता। आईएनसी के द्वारा कौन सी बनाई गई थी बताओ भाई। है अगला, विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे रिलेटेड? मंगल पांडे किस रिलेटेड है? 1857 की क्रांति। मंगल पांडे कहां पर पोस्टेड थे? वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में, वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में। बट एक चीज ये है, ये याद रखना कि आप लोग ये गलती मत करना कि 1857 की क्रांति बैरकपुर से स्टार्ट हुई। नहीं, 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुई है? 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है आपकी मेरठ से। तो मेरठ से क्या हुआ था? रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। और इसी रिवोल्ट को हम सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं, सिपाही विद्रोह, ठीक है ना? बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट। मेरठ से, बहुत बढ़िया। चलो प्राइम मेरिडियन, आपको पता है प्राइम मेरिडियन ये जो 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, इसी को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये ब्रिटेन के लंदन से गुजरता है, और ब्रिटेन के जो लंदन से गुजरता है यहीं पर ग्रीनविच जो है जगह से गुजरता है, इसीलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन इसी को कहा जाता है। क्लियर है? मैं मेरठ से हूँ, क्या बात है। अगला, वेयर वॉज द फर्स्ट पीजन मूवमेंट लॉन्च बाई महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में सबसे पहला पीजन मूवमेंट कौन सा लॉन्च किया गया था? चंपारण किया गया था। कब? 1919
17 में। इसके बाद क्या किया गया था, अहमदाबाद में लिस्ट किया गया था, खेड़ा किया गया था, तीन सक्सेसफुल, तीन मूवमेंट किए थे स्टार्टिंग में, तीनों हिट गए थे, हैट्रिक मार दी थी गांधी जी ने। इसके बाद क्या किया था, बेसिकली खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद क्या किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था जो कि चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से बंद हो गया था। इसके बाद गांधी जी गए थे और 5-6 साल एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहे थे, हालांकि वो जो 1924 में बेलगांव सेशन के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। उसके बाद फिर से एंट्री की थी 1928 में जाकर के, और 1930 में जाकर 1929 में लाहौर सेशन में आए थे जहां पर नेशनल मूवमेंट्स की कमान गांधी जी को सौंपी गई थी। और उसके बाद उन्होंने 1930 में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। कहीं से भी आ सकता है भाई करंट में तो क्वेश्चन। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट मेक डेल्टा, जो भी रिवर क्या है इधर जाएगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी, जो इधर जाएगी वो बनाएगी। तो गंगा इधर यूं, महानदी कावेरी सब इधर जाती है, नर्मदा इधर जाती है, ये कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। फास्ट और फास्ट, इससे भी फास्ट, इस मोहन ब्लॉक्स को रॉकेट के इंजन पर बिठा करके ना ऊपर की साइड में और स्पेस में फेंक दो। नहीं, ऐप वालों के लिए मैंने आज सुबह ही बोला था कि मैं रिवीजन करवाऊंगा आपका। करेंट के क्वेश्चंस आज लास्ट में रखे हैं। नेक्स्ट, रिट्रीटिंग मानसून कब आता है, अक्टूबर में आता है मेरे भाई, रिट्रीटिंग मानसून से। और इससे रेनफॉल किसको मिलता है, तमिलनाडु को मिलता है। अगला, कैपिटल ऑफ कोलंबिया बोगोटा, बैंकॉक कहाँ की है, थाईलैंड की। नेक्स्ट, क्यूटो कहाँ की है बताओ जरा फटाफट से। द मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, अपने भारत का कौन सा, भारत का थार, भारत का कौन सा डेजर्ट है, थार। नेक्स्ट, एटा, ये तेरे यहाँ से है, सचिन यादव है भाई, सचिन यादव है प्रांशु यादव के यहाँ से। चलो, एटा मैनपुरी, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था मुगल्स का, 1526 याद आ रहा है कुछ 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 याद आ रहा है, 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच की लड़ाई है, क्या बोलते हैं इस लड़ाई को, क्या बोलते हैं इस लड़ाई को, जल्दी से बताओ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच की लड़ाई को। तो ये कौन हो जाएगा, बाबर, जब इसने जो है दिल्ली सल्तनत की आखिरी वंश जो चल रहा था, सैयद, सैयद के बाद कौन सा था, लोदी, लोदी के बाद फिर कौन आ गए थे, बाबर आ गए थे, ऑप्शन नंबर ए, बाबर के द्वारा स्थापना की गई थी। अगला, अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर, अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का अप्रोक्सीमेट डायमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6400, ये तो हो गया रेडियस, तो 6400 प्लस 6400, 6400 प्लस 6400, 12800, पक्की बात है, पक्की बात है। और ये इक्वेटर का जो है लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये लगभग 40,000 के आसपास होता है। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है गरम चीज, बदतमीज, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, मीज, मिजोरम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट, अभी तो बताया था कम्युनल इलेक्टोरेट कह लो, सेपरेट इलेक्टोरेट कह लो, या पृथक निर्वाचन मंडल कह लो, सांप्रदायिक मतदाताओं की शुरुआत की, या पृथक निर्वाचन मंडल कह लो, कब, 1909 के एक्ट में मुस्लिम्स के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, एच एस आर ए की बात कर रहा है, चंद्रशेखर आजाद हो गए, अशफाकुल्ला कहाँ हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, भगत सिंह हो गए, ये सब क्या थे, रिलेटेड थे। तो बताना आंसर क्या मिल रहा है, भगत सिंह है, बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो भाई पूरी आ रही है, और कोई तो कह नहीं रहा, क्या हो गया, हाँ
द खिलाफत मूवमेंट वॉज मर्ज्ड विद, इधर से चल रहा था खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत जो कि मुस्लिम चला रहे थे क्योंकि टर्की के हेड की पावर्स को छीन लिया गया था, और दूसरी तरफ से गांधी जी ने चलाया था क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दोनों ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ चल रहे थे, तो खिलाफत मूवमेंट वर मर्ज्ड विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया था कब, 1920 में, और ये मूवमेंट बंद क्यों हुआ था, एंडेड ड्यू टू, कई बार पूछ लेता है एंडेड ड्यू टू, बंद क्यों हुआ था, ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। अगला कब हुआ था ये, 1922 में, फरवरी 1922 में, नेक्स्ट हु एस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये तो आपको पता है ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, कब की गई थी 1885 में की गई थी, 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा, कहाँ पर की गई थी, बॉम्बे में की गई थी, पहला अध्यक्ष कौन बना था, डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे, ठीक है ना, बुक संस्कृत तेजपाल विद्यालय में हुई थी। हाँ तो ये क्या हो गया, ए ओ ह्यूम, एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट विच लाइन रन्स पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल ऐसे करके लेटी हुई रेखाएं, जो रेखाएं लेटी हैं वो लेटीट्यूड होंगी, मतलब लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एक्शंस बॉय, और जो खड़ी हुई हैं वो लॉन्गिट्यूड होंगी, क्योंकि जो आदमी लेटा होता है वो लंबा नहीं दिखता, जो खड़ा हो लंबा दिखता, लंबा लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग लॉन्ग कब दिखेगा, जब लॉन्ग खड़ा होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट भाई 1872 में बना था, सॉरी 1862 कह रहा हूँ मैं। साउंड चिर चिर कर रहा है, ये क्या हो रहा है, माइक यूज ठीक आएगा शायद। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेक हैट्रिक, हैट्रिक लेने वाला चेतन शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 150 के बाद है भाई आज करंट, किसने क्वेश्चंस के बाद, 150 क्वेश्चंस के बाद, क्योंकि मैं स्पीड में कराऊंगा इसीलिए कहा था 150, तभी मैं थोड़ा सा खींच रहा हूँ 150 के बाद। नेक्स्ट द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था, 1930 में किया गया था, और 1930 में वायसराय कौन हुआ करता था, इरविन हुआ करता था, इसीलिए तो गांधी इरविन पैक्ट अगले साल, तो उस समय वायसराय कौन था, इरविन था, इरविन के बाद कौन आया था, लॉर्ड विलिंगटन आया था, रीडिंग तो इरविन से भी पहले हुआ करता था, लॉर्ड रीडिंग के बाद कौन आया था, इरविन आया था, इरविन के बाद विलिंगटन आया था। नेक्स्ट When did Gandhi ji gave the slogan Swaraj in 1 year? कब कहा था? Non cooperation movement के दौरान कहा था। तो non cooperation movement कब हो जाएगा? 1920 में हो जाएगा। Civil disobedience movement कब हो जाएगा? 1930 में हो जाएगा। Dandi March 1930 में हो जाएगा। Dandi March की वजह से, Dandi March जब हुआ था उसी के बाद civil disobedience movement start हुआ था। 6 अप्रैल की वो बातें हैं। Round table conference, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो कितनी हुई थी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हुई थी। पहली 1930 में, दूसरी 1931 में, और तीसरी 1932 में हुई थी। हाँ, पी वाई क्यू के क्वेश्चन हैं इसमें। कांग्रेस 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 जो एस्टेब्लिश मंथ 28 दिसंबर, भाई डेट भी लिख लो 28 दिसंबर 1885। मंथ बता दिया भाई, 28 दिसंबर को हुई थी, डेट भी बता दी। हु वाज द लीडर ऑफ द रेड शर्ट पार्टी, रेड शर्ट पार्टी, तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, इसी बीच इंडिया का जो ये ऊपर वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन जो है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन जो है, तो यहाँ के जो पठान जो लोग थे उनमें से एक हुआ करता था जिसको हम बच्चा खान कहते थे, बच्चा खान, या जिसे हम बादशाह खान के नाम से जानते थे, बादशाह खान, जो कि गांधी जी का काफ़ी अच्छा फॉलोअर था, इसलिए इसको फ्रंटियर गांधी कहते थे, फ्रंटियर गांधी। अच्छा, इनका एक क्या था, ग्रुप था, इनके इस ग्रुप का जो नाम था वो क्या नाम था, है भाई क्या नाम था, है खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार।
अल्लाह के बंदे, खुदाई खिदमतगार। और ये खुदाई खिदमतगार के लोग क्या है, रेड शर्ट पहना करते थे, इसीलिए इनका नाम क्या था, रेड शर्ट पार्टी था। तो इसमें जो ये बच्चा खान बादशाह खान फ्रंटियर खान दिया, यही था खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन नंबर डॉग, खान अब्दुल गफार खान। सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं हम इसको, सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं हम इसको। कॉफी तुम पियो भाई। नेक्स्ट, अगला, द सन ऑक्यूपाइज हाउ मच परसेंटेज ऑफ एरिया इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को भाई ज्यादातर तो क्या है, सन के पास ही है, तो 99% एरिया की वजह मास होता तो ज्यादा अच्छा रहता। विच इज द हाईएस्ट पीक इन द अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाती है, तो अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक हो जाती है भाई सैडल पीक। है कहीं ऑप्शन, सैडल पीक ऑप्शन नंबर ए। अगला, द सीपीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, नहीं होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, ऑप्शन ए, कंट्रोल प्रोसेसिंग ऊपर यूनिट के जस्ट ऊपर वाला आंसर होगा। हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, मतलब तुम देख, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडोप्ट किया था, जब बनकर के तैयार हो गया था, और बनकर के तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। और इसको अडोप्ट तो इस दिन कर लिया था, बट हमने लागू कब किया था, इम्प्लीमेंट कब किया था, तो इम्प्लीमेंट कब किया था, इम्प्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950 को। तो आपसे अडोप्टेड पूछा है, इम्प्लीमेंटेड, अडोप्टेड पूछा है, तो 26 नवंबर 1949 पे लगा दिया क्या, नवंबर कहीं है नहीं, ये रहा 49, ऑप्शन ए। आज मजा आ रहा है, बहुत मजे लेते रहो तुम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल, देखो फर्स्ट गवर्नर क्या, किसका, किसका दिखाने को प्रपोज द प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हां जवाहरलाल नेहरू, 30th December 1946 which was passed by the Constituent Assembly on 27 January. हाँ, एक सही, हाँ, अब देखो, which among the following was the first Governor General of India, first Governor General, दो तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है first Governor of Bengal, क्या पूछा जाता है, first Governor of Bengal, तो first Governor of Bengal कौन था भाई, Robert Clive था, कौन था, Robert Clive था। दूसरा पूछा जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो था वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो कौन था, है विलियम बेंटिक। नेक्स्ट पूछा जाता है फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। अब बताओ क्या आंसर होगा, क्या पूछा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो विलियम बेंटिक, कब बना था, ये बना था 1833 में, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव कब बना था, 1757 में, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बजरंग क्या कह रहा है, बजरंगी के दिमाग लिया तो था भाई तुमने अपना नाम जो है। नेक्स्ट, अगला,
हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड द ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड की थी? भीमराव अंबेडकर ने. आईएनसी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी? सेकंड वाली. सेकंड वाली किसने की थी? आईएनसी ने. नेक्स्ट, अरे राजनीतिक शास्त्र के कहां, हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं तुम्हें राजनीतिक शास्त्र दिखाई दे रहा है. हाँ, अगला, अरुणा आसफ अली. अरुणा आसफ अली किसे है? जो रेडियो पर काम कर रही थी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बॉय. क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था भाई? 1942 में हुआ था. बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था. ये वही सत्याग्रह है जिस सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? बारदोली, बारदोली की महिलाओं के द्वारा क्या किया गया था? बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को क्या दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी. उपाधि दी गई थी, कौन सी उपाधि दी गई थी? सरदार की. ठीक है ना. नेक्स्ट, खिलाफत मूवमेंट तो आपको पता है 1919 में स्टार्ट हुआ था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो आपको पता है 1930 में स्टार्ट हुआ था. आंसर क्या हो जाएगा? क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन बॉय. सेल, इसमें सेल चेंज कर रहे हैं. अभी चेक करना, आ रही आवाज? अब चेक करो, अब ये सेल चेंज कर दिया इसका, अब आ रही होगी. अब चेक करो. चलो आ जाओ. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो की थी उसमें दो लोग थे, एक तो थे कर्नल ऑलकॉट और दूसरे थे मैडम ब्लावस्की. कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावस्की के द्वारा 1875 में यूएसए में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी. तो इसमें है मैडम ब्लावस्की, मैडम का मां हरदयाल सिंह, नहीं, लाला हरदयाल सिंह ने किसकी स्थापना करी थी? गदर पार्टी की. गदर पार्टी की. स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी थी? 1875 में करी थी. आर्य समाज की. आर्य समाज 1875 में. नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन. अरे कमेंट्स छोड़ो यार, इधर देखो तुम, कहाँ कमेंट अभी. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो, जल्दी से. हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्टी टू द कोएलिशन ऑफ फाउट अगेंस्ट द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन था भाई? बैटल ऑफ बक्सर में एक तो था मीर कासिम, दूसरा था शुजाउद्दौला, तीसरा था शाह आलम द्वितीय. इन तीनों से, इधर से कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो. कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो, ब्रिटिशर्स. तो यहां पर कौन नहीं था? मीर जाफर नहीं था. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मीर जाफर तो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहा था. दूसरी तरफ मीर कासिम, कहां तुम आंसर कर रहे हो? मीर कासिम तो इसमें था, मीर जाफर नहीं था. हाँ, द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ. यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात की जा रही है वो कौन सा हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग. रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था. गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया था 1909 में. तो सबसे पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आ जाएगा. 312 ऑप्शन नंबर डॉग हो गया. अगला क्वेश्चन, अच्छा बी भी है क्या? तो एक क्वेश्चन कर लो, कोई सा भी एक कर लो, चाहे डी कर लो चाहे बी कर लो, कोई नहीं, इसको हम कर देंगे 1 2 3 है ना, 2 1 3 कर लो इसको. लो
इसकी जगह 213 कर दिया। अब बताओ 132, 123 और 312 और 213। ठीक है चलो नेक्स्ट। अगला माइकल ओडायर, माइकल ओडायर, माइकल ओडायर कौन था जिसने जलियांवाला केस में क्या करवाई थी, गोलियां चलवाई थी। तो इसका जलियांवाला केस का जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया था, ऊधम सिंह ने लिया था। 20-21 साल बाद 1940 में जाकर के माइकल ओडायर को कहां पर मारा था, ब्रिटेन में जाकर के, लंदन में जाकर के ओडायर को मारा था किसने, ऊधम सिंह ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या लिया था, बदला लिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डॉग हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउट अर्लीस्ट, इन निम्न में से सबसे पहले लड़ाई कौन सी हुई है, 1760 के आसपास हुई थी, 1757 में प्लासी हुई थी, बक्सर हुई थी 1764 में, अंबुर हुई थी 1749 में। तो सबसे पहली लड़ाई कौन सी हो जाएगी, बैटल ऑफ अंबुर। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में जाके ठोक दिया था, बिल्कुल हाँ ठोक दिया था। त्रिपिटक किसकी किताब है, त्रिपिटक सुत्त पिटक अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो विनय पिटक सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक तीनों ही किसकी किताब है, बुद्धिज्म की किताब है। तो ऑप्शन नंबर बॉय क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था। तो उस समय जो भारत का वाइसरॉय था वो था लॉर्ड डफरिन। 1885 की बातें हो रही हैं, 1885 लॉर्ड डफरिन क्या था, भारत का वाइसरॉय था। यदि मैं लॉर्ड रिपन की बात करूँ तो लॉर्ड रिपन को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, लॉर्ड मेयो के समय पर 1800 1772 में सबसे पहले क्या हुआ था, सेंसस हुआ था, कंप्लीट सेंसस 1781 से होने लगा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर ऑफ द मदर इंडिया बुक, मदर इंडिया बुक कैथरीन मेयो, कैथरीन मेयो। ऑप्शन नंबर बॉय। अगला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है, विक्रम अम्बालाल साराभाई, कौन है, विक्रम अम्बालाल साराभाई। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ओके, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम लीग 1906 आ जाता है, सूरत स्प्लिट 1907 आ जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 आ जाता है, कैपिटल ऑफ ट्रांसफर कब, कैपिटल ट्रांसफर कब हुई थी, 1912 आ जाता है। तो सबसे पहले आएगा 5, 3 आएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला स्पीड, स्पीड आएगी भाई, आएगी स्पीड आएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन क्या, इंडिया पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को कहते हैं, बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान। बहुत बढ़िया, सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान ही आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर, 13 अप्रैल को हुआ था जलियांवाला बाग 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को माइकल ओडायर, जिसका बदला किसने लिया था, ऊधम सिंह ने, कहां पर जाकर के, ब्रिटेन में जाकर के, किसको मार करके, माइकल ओडायर को ब्रिटेन में जाकर के मारा था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बन सकते हो, या तो तुम लोकसभा के थ्रू बन सकते हो या राज्यसभा के थ्रू बन सकते हो। लोकसभा के लिए कितनी है, 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है, तो मिनिमम कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बॉय। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, व्हेन वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, इंडियन हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन के कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, दादा भाई नेहरू जी किसके थे, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कहां पर की थी दादा भाई नेहरू जी ने, लंदन में की थी। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। ऑप्शन नंबर सी के, दादा भाई नेहरू जी। अगला, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन रॉय जो कि बाद में चल करके क्या बन गया था, ब्रह्म समाज, अच्छा ब्रह्म सभा की गई थी, जो कि 1830 में क्या बन गया था, ब्रह्म समाज बन गया था। और किसकी स्थापना करी गई थी, आत्मीय सभा की, आत्मीय, आत्मीय सभा। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से। अगला, वेयर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहां पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु नहीं होगा, केरल नहीं होगा, लक्षद्वीप नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, निकोबार आइलैंड्स। कार्डियोलॉजिस्ट संजीव सर की क्लास होगी भाई 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे। नेक्स्ट, जेक्सा,
जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी किसकी, स्पेस एजेंसी एजेक्सा जापान की है, जापान किस, जापान की है, ठीक है ना। इंडिया की क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो किसकी है, इंडिया की है। नेक्स्ट, इसरो के चेयरमैन बताएगा कोई मुझे, गुवाहाटी इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, गुवाहाटी किस नदी के किनारे है, तो एक नदी ऐसे ऐसे आती है जिसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, उसी नदी के किनारे क्या पड़ता है, गुवाहाटी पड़ता है, तो गुवाहाटी इज ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। बहुत ही फेमस सिटी पटना, पटना किस नदी के किनारे है, गंगा के किनारे है। नेक्स्ट, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑथर द बुक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो भाई साहब हिंद स्वराज जो किताब लिखी गई है वो लिखी गई है हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और किसकी स्थापना की गई, याद रखना, फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी किसके द्वारा की गई है, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। और क्या है, आप याद रखना, यंग इंडिया, यंग इंडिया न्यूज़पेपर भी किसका हुआ करता था, महात्मा गांधी का हुआ करता था। और किसकी, टॉल्स्टॉय फैम की स्थापना भी किसके द्वारा की गई है, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। टॉल्स्टॉय फैम की स्थापना, गांधी जी का आश्रम कौन सा हुआ करता था इंडिया में, साबरमती आश्रम हुआ करता था, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम कहां पर था, ये था इंडिया में, और ये फिनिक्स आश्रम ये कहां पर था, ये था साउथ अफ्रीका में। स्लो, करंट की ही होगी मेरे भाई, इंडियन आर्मी जो है, आज मैंने लास्ट में डाले थे क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सर एक बार बस रिवीजन करवा दो, तो मैंने आज की क्लास में सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करवा दिया और लास्ट में करेंट्स हैं। और बाकी जो अब जो मेरी क्लासेस होंगी, बड़ी बड़ी जो मैराथन होंगी, सिर्फ करेंट की होंगी, ठीक है ना। ओके, अब जो बड़ी बड़ी मैराथन होंगी वो किसकी होंगी, सिर्फ करेंट की होंगी। और आप टेंशन ना लो, करेंट तो अब मैं रेगुलर, जो भी लोग हैं जो एनडीए सीडीएस एफ कैट वाले हैं, अब मैं करेंट रेगुलर स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या नहीं बताया है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अच्छा जी, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉडीज इन यूएनओ, यूएनओ में कितने नंबर ऑफ बॉडीज हैं, तो यूएनओ में कितने हैं, सिक्स, छ नहीं, ये है मेरे भाई, इसमें आगे चल करके ये देखो ये फाइल कितनी बड़ी है, इसमें आगे डलवाए आज मैंने ताकि एक रिवीजन हो जाए बस आप लोगों का। और इसके बाद जो मेरी बड़ी बड़ी क्लासेस है ना, उनमें सिर्फ क्या है, करंट अफेयर्स है। अब मैंने इसका काफी करा दिया है आज वाली क्लास में, इसके बाद जो है करंट अफेयर्स ही हैं। 150 क्वेश्चंस तक तो मैंने ये करवाया है। हाँ भाई चलो, न्यू इंडियन कॉमनवेल्थ किसके न्यूज़पेपर हुआ करते थे, तो आपको पता है होम रूल मूवमेंट जब चल रहा था, तो होम रूल मूवमेंट के दौरान न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके हुआ करते थे, एनी बेसेंट के। अरे भाई यही हूँ, बस यही हूँ मैं, यही हूँ, दिक्कत ना लो। हु डिस्कवर्ड सेल, बताओ फटाफट से, तो सेल की खोज किसके द्वारा की गई है, रॉबर्ट हुक के द्वारा, किसके द्वारा की गई है, रॉबर्ट हुक के।
दो से नौ। वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी मेट इन दिल्ली? दिल्ली में जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये आपको पता है, इंडिया के मुस्लिम्स के द्वारा चलाया गया था। लेकिन 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 क्या खिलाफत कमेटी के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बॉय। हिंदी नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था उस समय कौन थे? आचार्य कृपलानी। ऑप्शन नंबर डॉग, आचार्य कृपलानी। अच्छा, इंडिपेंडेंस मिला था, एक चीज याद रखना, देखो 1947 में मिला था इंडिपेंडेंस, जिस समय मिला था अगस्त में, तो ये सेशन कब होता था? दिसंबर में। जो 1946 के दिसंबर में बना होगा वही तो 47 के दिसंबर तक रहेगा, तो 46 के दिसंबर में आचार्य कृपलानी। अगला क्वेश्चन, वायसराय हु मेड द ऑब्जर्वेशन इट इज अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड इफ इट वॉज नॉट फॉर गांधी? यह बहुत ही खूबसूरत दुनिया है यदि ये गांधी के लिए नहीं है, दुनिया है यदि ये गांधी के लिए नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। By virtue of which act? डायर की। डायर की तो मैंने अभी अभी बताया था किससे आई। अच्छा, डायर की नहीं बताया था मैंने, सेपरेट इलेक्टोरेट बताया था। डायर की जो आई थी, हाँ बस अब अगली वाली में मैंने स्टैटिक और करंट ही कराऊंगा, अब मैं ये सब्जेक्टिव नहीं कराऊंगा आप लोगों का, ये बस आज के आज करा रहा था। तो डायर की वॉज इंट्रोड्यूस्ड, डायर की किसमें इंट्रोड्यूस की गई थी? ये की गई थी 1919 के एक्ट में, और सबसे पहले 1919 के में कहाँ की गई थी? स्टेट में। 1935 में सेंट्रल में। पॉजिटिव कहां हो जाएगी? इट वाज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वाज नॉट फॉर गांधी। यह बहुत ही खूबसूरत दुनिया है यदि यह गांधी के लिए नहीं है। और पॉजिटिव कैसे हो गई ये लाइन भाई? नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एग्रीशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ बंगाल में कौन चला रहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की जो उपाधि मिली थी वो किस मूवमेंट के दौरान मिली थी? होम रूल मूवमेंट के दौरान। होम रूल मूवमेंट के दौरान लोकमान्य की जो उपाधि मिली थी वो किसके दौरान मिली थी? होम रूल मूवमेंट के दौरान मिली थी। नेक्स्ट, अगला, वॉट इज द टाइम गैप अकरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टाइड्स? टू सक्सेसिव टाइड्स के बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट होता है, क्योंकि एक समय पर 24 घंटे में दो बार टाइड आती है, स्लाइटली गैप होता है, तो ये 12 घंटे 26 मिनट हो जाती हैं। अगला, द कॉन्टिनेंट थ्रू विच बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाता है। कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी? अन्नामुड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अन्नामुड़ी हो जाएगी। अगला,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? निम्न में से कौन सी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली. कौन सी है? अरावली. भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है अरावली. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज द ब्राइटेस्ट? ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो ब्राइटेस्ट कह लो, चाहे मॉर्निंग स्टार कह लो, चाहे इवनिंग स्टार कह लो, चाहे आपका हॉटेस्ट कह लो, कौन सा हो जाता है? चाहे ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कह लो, वीनस हो जाता है. ऑप्शन नंबर सी हो जाता है. अगला क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा? आत्मीय सभा अभी अभी बताया था मैंने, किसके द्वारा स्थापना की गई इसकी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा. अगला क्या है? Who among the following is known as the light of Asia? Light of Asia के नाम से हम किसको जानते हैं? तो light of Asia जो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं, light of Asia, Lord Buddha. क्या? क्यों? क्लास. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? अब मैं देखता हूं इसका आंसर कौन करेगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर कौन करेगा. मैं ये देखता हूं फटाफट से. सी सही दिया लोगों ने आंसर. देखो अब पता है क्या है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन मत कह देना कि सबसे बड़ी तमिलनाडु की है. मैंने कहा ऑप्शंस में से सबसे बड़ी किसकी है. वैसे तो किसकी हो जाती है? गुजरात की हो जाती है. गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की हो जाती है. आंध्र प्रदेश के बाद किसकी हो जाती है? तमिलनाडु की हो जाती है. आंध्र प्रदेश के बाद किसकी हो जाती है? तमिलनाडु की हो जाती है. तो गुजरात ऑप्शन में नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, तो फिर किसकी हो जाएगी? तमिलनाडु की हो जाएगी. ऑप्शन बॉय. ज्योतिराव फुले के द्वारा 1873 में किसकी स्थापना करी गई थी? सत्यशोधक समाज की. पक्की बात है, सत्यशोधक समाज लॉक कर दिया जाए. ऑप्शन नंबर डी, सत्यशोधक समाज की. एट्टी थ्री क्या बता दिया भाई? 83 में तुमने ऐसा क्या देख लिया तुमने? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट्स इज द ब्राइटेस्ट? तो फिर क्या क्या तुम क्या चाहते हो? अरे वो दिल्ली पुलिसमैन प्रिपरेशन है, कुछ भी लिखना है. देख लिया भाई, देख लिया. क्या क्या रह गया इसमें देखने को? ब्राइटेस्ट प्लेनेट ही तो पूछा है आपसे, तो फिर क्या देखना क्या है इसमें?
हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. प्रियम्बल किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो भाई साहब प्रियम्बल जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये क्या लिखा है ऊपर करना थोड़ा सा. नेक्स्ट, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को. तो 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? प्रियम्बल इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि बाद में चल करके क्या बन गया था? प्रियम्बल बन गया था, उद्देश्य प्रस्ताव. बिटवीन विच स्टेशंस वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन? फर्स्ट रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच में. कहां से? बॉम्बे से थाने के बीच में. ऑप्शन नंबर डॉग. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यू एच ओ? डब्ल्यू एच ओ के हो, ILO के हो, ये सब कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, हु बिलीव्ड बाय द जैनास टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर? जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे. नेक्स्ट, द मेन रीजन फॉर द बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन, क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स क्या थे? ब्रिटिशर्स से. ऑल द मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए हमने इसका एक नाम और दिया था, इसीलिए हमने इसको व्हाइट कमीशन कहा था. साइमन कमीशन को क्या कहा था? व्हाइट कमीशन कहा था. और साइमन गो बैक के नारे लगाए थे. और इसका, इस कमीशन का प्रोटेस्ट करते हुए किसकी डेथ हुई थी, कौन से फेमस नेता की डेथ हुई थी? तो वो थे लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी लाला लाजपत राय की. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिस्क्राइब्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल अवार्ड इन अगस्त? सेपरेट इलेक्टोरेट राम से मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड पेश किया था. राम से मैकडोनाल्ड ने 1932. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? हुमायूं नामा के ऑथर कौन है? गुलबदन बेगम. ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम. अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज टेन्योर डिड द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल? ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी, जब ब्रिटिश फैक्ट्री पर क्या कर दिया था? सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया था अलीवर्दी खान की डेथ के बाद में बेसिकली. अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन इंडिया? तो ये कहां पर थी? सूरत में थी. ऑप्शन नंबर बॉय. नेक्स्ट, अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन कनेक्टेड था? फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर. फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर, और फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर कौन था? फर्स्ट पुर्तगीज
पुर्तगीज गवर्नर कौन था? डी अल्मिडा। अल्बुकर्क क्या था? सेकंड पुर्तगीज गवर्नर था। कब से? 1509 से लेकर के 1515 तक। और अल्मिडा कब तक था? 1505 से लेकर के 1509 तक था बेसिकली। अगला इन 1757, इन 1757 सिराजुद्दौला अटैक्ड ब्रिटिश फैक्ट्री, कहां पर? कासिम बाजार में किया था। कहां पर किया था? कासिम बाजार में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉम्प्टेड रविन्द्रनाथ टैगोर टू द सरेंडर हिज टाइटल ऑफ सर? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का नाइटहुड नाइटहुड का जो टाइटल था, जिसमें कि सर लगाते हैं आप अपने नाम के आगे, वो आपका जो है कंडेम किया था या वापस कर दिया था, किसके लिए? रॉल एक्ट, एक्ट के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके लिए। तो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैसेकर एट जलियांवाला बाग एंड द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ इन द पंजाब, ऑप्शन नंबर डॉग। इसकी वजह से कई सारे टाइटल्स लौटाए थे बहुत सारे लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 99 और ये है 100 क्वेश्चन। तो 1.5 घंटे से पहले हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को कौन लेड कर रहा था बैटल ऑफ बक्सर में? तो ये कौन था? हेक्टर मुनरो था। ये थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। और इस तरफ से तीन तीन सेनाएं थी। किस किस की थी? सुजाउद्दौला की थी, शाह आलम द्वितीय की थी, और आपका जो है मीर कासिम की थी। हु इश्यूड फरमान ग्रांटिंग दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा? तो जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुई थी 1765 में, इसमें दीवानी राइट्स शाह आलम सेकंड ने किसको दे दिए थे? ब्रिटिशर्स को। ये क्या है? क्लास ले लूं पहले मैं, आ जाओ। नेक्स्ट, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे क्या है कि आ जाओ। नेक्स्ट, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज? सिविल सर्विसेज का फादर किसे कहा जाता है? सिविल सर्विसेज का फादर उसे कहा जाता है जिसका मकबरा कि भारत में है, और भारत के कहां पर है? गाजीपुर में। भारत के गाजीपुर में, भारत के गाजीपुर में जिसका मकबरा है। एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसका टॉम्ब भारत में है वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल? परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था बेसिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जिसमें बेसिकली क्या किया जाता था, इसी को हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? जमींदारी सिस्टम कहते हैं, जमींदारी सिस्टम कहते हैं। जिसमें क्या है, जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे वो, और जो ब्रिटिशर्स से वो, तो पीजेंट से टैक्स कौन लेता था? आपका जो है जमींदार लेते थे, और जमींदार से कौन लेता था? ब्रिटिशर्स। इसीलिए इसको जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
हाँ भाई नेक्स्ट फटाफट से। विच इनर्ट गैसेज यूज इन कैंसर थेरेपी, कैंसर थेरेपी में कौन सी गैस यूज की जाती है? ये आपके मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन है, तो ये रेडॉन गैस यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्लास्टिक मनी, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी कहा जाता है। एटीएम कार्ड को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड, ये सब हो जाते हैं, ये सब क्या कहलाती है? प्लास्टिक मनी कहलाती है। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अच्छा क्या बात है। नेक्स्ट, द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, वही पूछ लिया आपसे। टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस अभी अभी तो मैंने बताया था कहां पर है, गाजीपुर में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विपिन चंद्रपाल, लाल बाल पाल आपको पता है, लाला लाजपत राय, लाल बाल, बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्रपाल, ये सब क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग थे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ मॉडरेट ग्रुप, बिल्कुल नहीं। ही वॉज अ मेंबर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो है लोग हुआ करते थे। मेरे पास है प्लास्टिक बनी, बहुत बढ़िया, उस प्लास्टिक बनी को संभाल करके रखना है, क्योंकि कहने के लिए वो प्लास्टिक बनी है लेकिन वो बहुत जरूरी है। हाँ अगला क्वेश्चन, विच केस राम प्रसाद बिस्मिल रिलेटेड है? तो राम प्रसाद बिस्मिल किससे रिलेटेड है? बेसिकली जो है काकोरी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। अगला, सब्सिडी अलायंस वॉज अ सिस्टम डिवाइस डिवाइस, सब्सिडी अलायंस में क्या होता था कि भारत के जो राजा हैं उसकी सेना ले ली जाती थी, जो राजा हैं उसकी सेना ले ली जाती थी। कैसे ली जाती थी ये सब मैं डिटेल में आप लोगों को करा ही चुका हूँ। सेना मेंटेन करने का अधिकार नहीं था, बेसिकली आर्मी मेंटेन करने का अधिकार नहीं था, एक्चुअली उसकी आर्मी ले ली जाती थी और उसी से पैसे भी लिए जाते थे उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली इसको लेकर के आया था सब्सिडी अलायंस पॉलिसी को 1798 में। नेक्स्ट, सनराइज इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, ये पूछा है, सनराइज इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हावर्स बिफोर द सनराइज इन वेस्टर्न गुजरात, गुजरात के बीच में। आपको पता है 30 डिग्री का डिफरेंस, और 30 डिग्री मतलब 2 घंटे, तो कितना अंतर होता है? 2 घंटे पहले सूरज निकल आता है अरुणाचल प्रदेश में, 2 आवर्स, ऑप्शन बॉय। अगला, हाँ जी हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन था? हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर, मुस्लिम लीग की स्थापना सबसे पहली बात तो कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो ढाका के नवाब, ढाका के नवाब सलीमुल्ला खां के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी सलीमुल्ला खां, ढाका के नवाब सलीमुल्ला खां के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, Who among the following was the first governor general of India? भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये तो मैंने बताया, विलियम बेंटिक, कब बने थे? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, 1833 के चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट, सुद्दी मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अच्छा आर्य समाज ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आर्य समाज, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, कब की गई थी? 1875 में, 1875 में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, हाँ कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट कहां पर पड़ता है? जहां पर तूतीकोरिन पोर्ट है, हैं तूतीकोरिन पोर्ट, एन्नोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, बताओ जरा वो कौन सा पोर्ट है? तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर, इन तीनों में से कौन से पोर्ट का नाम कामराजार पोर्ट है? तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई, इन तीनों में से कौन से पोर्ट का नाम कामराजार पोर्ट है? तो ये तो आपने बता ही दिया होगा, ये कहां पर पड़ता है? तो ये कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु, चेन्नई, तो उत्तर तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, हिंदी में एक बार क्वेश्चन आया था कि वो कौन सा स्टेट है जहां 3 मेजर पोर्ट पड़ते हैं? भारत में कितने मेजर पोर्ट हैं? 13 मेजर पोर्ट हैं, उन 13 में से 3 पड़ा करते थे सिर्फ एक राज्य में, तमिलनाडु में पड़ा करते थे, लेकिन अब 3 मेजर पोर्ट कहां पर हो गए? महाराष्ट्र में भी हो गए हैं। तो महाराष्ट्र में भी 3 मेजर पोर्ट हैं और तमिलनाडु में भी 3 मेजर पोर्ट हैं। हाँ स्टालिन, बिल्कुल। इसरो सतीश धवन,
सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन विच प्लेस, ये कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन ए। वेन वॉज इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस, अच्छा ये तो हो गया था 28 दिसंबर, इसमें एग्जैक्ट डेट पूछी हुई है 28 दिसंबर। अगला है हाउ मेनी स्टेज डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बताया था आपको 8। सी उबेर कप किससे रिलेटेड है भाई, टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या बैडमिंटन से? उबेर कप, बताओ फटाफट से, पक्की बात है? पक्की बात है, लॉक कर दिया जाए? है भाई, चलो लॉक कर देते हैं, बैडमिंटन से है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आगरा सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो आगरा सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। द विजुअल पार्ट ऑफ सन इज, विजुअल पार्ट, सन का जो विजुअल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर बोलते हैं। और इस फोटोस्फेयर के ऊपर क्या होता है जो चल रहा है? कोरोना। हम जो नॉर्मल आंखों से देख पाते हैं उसको क्या बोला जाता है? फोटोस्फेयर बोला जाता है। 150 के बाद सीए के क्वेश्चन कहाँ है? 150 के बाद। ओजोन लेयर किस परत में होती है? तो ओजोन लेयर होती है आपकी सबसे नीचे, कौन सी? ट्रोपोस्फियर, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर कौन सी है? मीजोस्फियर, फिर कौन सी? आयनोस्फियर, फिर कौन सी होती है? थर्मोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है द लीडिंग लाइट ऑफ रिनेसेंस, भारत में पुनर्जागरण का आंदोलन या पुनर्जागरण के आंदोलन का प्रमुख या फिर पुनर्जागरण का जो जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस जिसे कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन रॉय को। मैप पढ़ा दो, मैप भी पढ़ लेंगे भाई। नेक्स्ट, द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज लेड बाई, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावस्की के। लेकिन इंडिया में कौन इसे लीड कर रहा था? एनी बेसेंट। कौन कर रही थी? एनी बेसेंट। और ये कहां की रहने वाली थी? आयरलैंड की। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी लिए हैं, डीपीएसपी लिए। आयरलैंड ने कहां से लिया है डीपीएसपी को? स्पेन से लिया है। डीपीएसपी कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में आते हैं, नॉन जस्टिफिएबल है। हाँ जी, नेक्स्ट। यूएन वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन, यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूएन डे मनाया जाता है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां पर? न्यूयॉर्क में, 1945, ऑप्शन बॉय। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज ब्लू, अर्थ है यार। अगला, भारतमाला प्रोजेक्ट किस रिलेटेड है? भारतमाला, भारत में मालाएं फैला दो। इंप्रूविंग रोड कनेक्टिविटी, रोड को क्या कर दो? मजबूत कर दो। और रोड कनेक्टिविटी से यदि हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो भारत में कौन है सड़क परिवहन मंत्री? तो सड़क परिवहन मंत्री कौन है? गडकरी जी, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी।
अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ज्वाइंस गंगा डायरेक्टली? डायरेक्टली गंगा को कौन ज्वाइन करता है? तो निम्न में से कौन करता है? सोन नदी करती है, ऑप्शन ब है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ भाई। ओहो क्या बात है। अच्छा क्वेश्चन तो कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? कनाडा की है। मैं भी हूँ। देख रहे हो आप जो है सर अकेले अकेले लपेटे जा रहे हैं। एनडीए की क्लासेस जो है पहले एयरफोर्स हो जाए। बायोगैस कंसिस्ट ऑफ, बायोगैस में मेनली क्या होता है? मीथेन होता है। लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1940, 1940 का जो लाहौर सेशन हुआ था इसमें क्या है बेसिकली, मोहम्मद अली जिन्ना इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। जिसमें किसकी डिमांड थी? पाकिस्तान की। जिसमें किसकी डिमांड उठी थी? पाकिस्तान की। नेक्स्ट, विच रिवर्स फ्लोज इन टू द अरेबियन सी? अरेबियन सी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो इधर हो जाता है इंडिया के अरेबियन सी, और इधर क्या हो जाता है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। तो गंगा की यदि हम बात करें तो कहाँ जाकर के गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। नर्मदा और ताप्ती दोनों अरेबियन सी में गिरती हैं, ऑप्शन नंबर डॉग। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर लोकेटेड है? तो आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में यहां पर पड़ती है दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बॉय। एयरफोर्स क्या है ये? हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट? पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी वो मूवी देखी है ना, दूर 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 जब कुछ होता है तो क्या कहती है मम्मी, कौन आ जाएगा? गब्बर आ जाएगा। तो गब्बर जो लोगों को पकड़ता है वो किसके लोग हो रहे होते हैं? किसके लोग होते हैं? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी की स्थापना जो की गई थी वो भारत में स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी 1848 से। 1848 किसके शासनकाल में, और उस समय कौन हुआ करता था भारत का गवर्नर जनरल? तो उस समय हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी, है ना? कौन हुआ करता था? लॉर्ड डलहौजी, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर के आया था, राज्य हड़प नीति लेकर के आया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, जिसके शासनकाल में ट्रेन की शुरुआत भी हुई थी। नेक्स्ट, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर बॉय। यही फर्स्ट वायसराय भी है, यही फर्स्ट वायसरॉय भी है। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंड, अरे ये तो बात करा दिया मैंने आप लोगों को पहले ही। अगला, विमेन हु वॉज फर्स्ट ओलंपिक इन इंडिया, हु वॉन द फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक? ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी? कर्णम मलेश्वरी।
नेक्स्ट, राइटली कॉल द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन. नेक्स्ट, स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एनिमोमीटर. और अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की दिशा किससे नापी जाती है, तो वो नापी जाती है विंड वेन से. किससे नापी जाती है? विंड वेन. वो कुछ इस प्रकार का यंत्र होता है, जैसे नहीं टेम्पो के आगे लगा रखे होते हैं या साइकिल के ऊपर लगा लेते हैं, वो घूमता जाता है, उसमें एरो सा होता है, तो जिस तरफ की हवा होती है उस तरफ बता देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंड वेन बोलते हैं. ठीक, सॉरी, ठीक है ना. नेक्स्ट, नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है ये? लेंथ की. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट. यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो. कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएशन, एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन लंदन बाय दादा भाई नेहरोजी. कौन सा एसोसिएशन है जो दादा भाई नेहरोजी के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी? हाँ जी बिल्कुल सैम अंसारी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तो वो एसोसिएशन था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ठीक है ना. किसका, कौन सा एसोसिएशन, एसोसिएशन था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नेहरोजी के द्वारा की गई थी 1866 में. बहुत बढ़िया ऑप्शन बॉय. फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन. ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जीतने वाले पहले, इंडिया से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का इलेक्शन जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरू जी. कौन थे? अच्छा, कौन सी पार्टी से ये पूछे हैं? तो दादा भाई नेहरू जी थे, ये तो आपको दे रखा है उसने. किस पार्टी से इलेक्शन जीते थे ये पूछ रखा है. तो ये जीते थे आपका जो है लिबरल पार्टी से. कौन से पार्टी से? लिबरल पार्टी से. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं. ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि इन्हीं को दी जाती है. और ये INC के सेकंड सेशन के अध्यक्ष भी बने थे. तीन बार प्रेसिडेंट बने थे. थ्री टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ INC. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च द बारदोली सत्याग्रह. बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लॉन्च किया गया था. इन्हीं को, वल्लभ भाई पटेल को ही वहां पर सरदार की उपाधि मिली थी बारदोली सत्याग्रह में. बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी. इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ. 1916 के अध्यक्ष कौन थे? AC मजूमदार थे. 1917 में कलकत्ता के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थी. 1925 में कानपुर सेशन की सरोजनी नायडू थी. 1924 में बेलगांव सेशन के गांधी जी थे. नेक्स्ट, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन फॉर द चौरी चौरा इंसिडेंट. 1922 में जो हुआ था. नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ असिस्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स. देखो, एक तो किसान, इधर ब्रिटिश, बीच में हुआ करते थे जमींदार, उसको हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम. लेकिन जमींदारों का रोल खत्म करके डायरेक्ट किसानों से वसूल करना, किसान को कहा जाता था रैयत, और डायरेक्ट किसानों से वसूल करने वाला जो सिस्टम कहलाता था वो कहलाता था रैयतवारी सिस्टम. तो ये कौन सा हो जाएगा? रैयतवारी सिस्टम हो जाएगा बेसिकली, डायरेक्ट किसानों से टैक्स लेने वाला. PDF मिलेगा भाई, PDF मिलेगा, मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, कैडेट्स डिफेंस अकेडमी के, ठीक है ना. अरेंज द फॉलोइंग, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है. देखो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1931 के एंड में हुई थी. यदि हम बात करें साइमन कमीशन, 1928 में भारत आया था. पूना पैक्ट की यदि हम बात करें तो 1931 में जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी, इसके बाद गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में जब कम्युनल अवार्ड आ गया था, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था 1932 में. अच्छा, कम्युनल अवार्ड भी 1932 में आया था, बट ये पहले आया था, इसी की वजह से तो पूना पैक्ट हुआ था, है ना. एक गांधी इरविन पैक्ट वो अलग है, गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था. तो लगा लो, सबसे पहले तो साइमन कमीशन आ जाएगा. फोर के बाद में वन, वन के बाद में टू, थ्री, 4123, 4123, 4123, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, अगला, गांधी जी कॉल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ इन रेस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इसी को हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं या डांडी मार्च भी कहते हैं. यहाँ पर साबरमती से डांडी तक की जो यात्रा की थी, इसके बाद 6 अप्रैल को सॉल्ट लॉ तोड़ करके यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. अगला, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन रिजोल्यूशन पूर्ण स्वराज. सबसे पहली बात, पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन कब पास हुआ था? लाहौर सेशन में. कब? लाहौर सेशन में.
लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बॉय। नेक्स्ट, डायर की वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द, अच्छा नाम अलग दे दिया, पहले 1909 1900 दे रहा था, अब डायर की को दिया गया था 1909 के एक्ट में, लेकिन उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बॉय। आपसे पूछा बारदोली सत्याग्रह में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, वो बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर रेवेन्यू रेट बढ़ा दिए गए थे, वहां पर फसल अच्छी नहीं हुई थी, कॉटन के प्राइस जो है कम थे मार्केट में, इसके बावजूद टैक्स बढ़ा दिया गया था, तो नए रेवेन्यू रेट्स को कम करने के लिए। जोतने की भूमि से रिलेटेड नहीं है, मजदूरी से रिलेटेड नहीं है, ये तो बेसिकली अहमदाबाद में स्ट्राइक है। रोल बैक ऑफ न्यूली एनचेंज्ड रेवेन्यू रेट्स, ऑप्शन नंबर सी। मैथ्स की क्लास कल या होगी, या तो कल मैथ्स होगी या रीजनिंग होगी। हमारी अब जो क्लास होगी ये क्या 2 दिन में होगी, और मैं बता दूं, क्लास सुन लो पहले, तो एक काम करो पहले क्लास का सुन लो, कि जो न्यू क्लास होगी या नई जो अब क्लास होगी, वो क्लास करंट बड़ी क्लास होगी। सबसे पहली बात तो मैराथन क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, करंट प्लस स्टैटिक। मैं सब्जेक्टिव उसमें नहीं कराऊंगा, क्योंकि सब्जेक्टिव मैंने आपको पहले भी करा रखा है, और आज मैंने सारे ही लगभग टॉपिक्स को कवर करने की हिस्ट्री भी डाली हुई थी, पॉलिटी भी डाली हुई थी, ज्योग्राफी भी डाली हुई थी, 150 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दिए, 50-50 तीनों के मानोगे तो, ओवरऑल काफ़ी जो टॉपिक्स को कवर कराने की कोशिश की, और इससे पहले मैंने बताया था आपको 12-12 घंटे की 2 मैराथन से उसमें करा रखा है। लेकिन जो करेंट है, करेंट तो आपको पता है अपडेट होता रहता है, तो करेंट वाला जो पोर्शन है वो मैं कराऊंगा आपका, करंट प्लस करंट से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है वो वाला। अब जो क्लास होगी उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ करंट कराऊंगा और स्टैटिक, करंट और स्टैटिक, इसके अलावा कुछ नहीं। जो रिवीजन की आप लोग कह रहे थे, जितने भी लोगों के मैसेज आए थे उनको मैं बता दूं कि जिस रिवीजन की आप लोग कह रहे थे सब्जेक्टिव की, वो सारा मैंने आप लोगों को करा दिया है जो सब्जेक्ट वाइज कह रहे थे, और अब मैं सिर्फ क्या है आपकी जो क्लासेस लूंगा, मैं मैराथन क्लासेस लूंगा, और उसमें क्या होगा, मैं सिर्फ आप लोगों को क्या है करंट प्लस स्टैटिक करवाऊंगा, ठीक है ना? क्लियर है भाई? हाँ, और कोई बात? क्योंकि अभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए हुए हैं, और मैंने मैराथन्स में करा रखे हैं, आपको पता है, जो 12-12 घंटे वाली हैं वो आप लोग वहां से देख लेना। करंट की बात है वो मैं करवाऊंगा आप लोगों का, जैसे मैंने लास्ट क्लास ली थी करंट की, उसी प्रकार से मैं सारी क्लासेस लूंगा आगे, करंट करंट प्लस स्टैटिक की। तट रेखा, यार तुम ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये तुम्हें बताया कि 16 मीटर है, 16 किलोमीटर है, तुम गूगल भी कर सकते हो। नेवी एमआर के लिए सफिशियंट है, उसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई? माइक माइक का चेक करवा देंगे, ठीक है ना? माइक चेक करवा देंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम आपका माइक चेक करवा देंगे। चलो तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में करंट और स्टैटिक होगा सिर्फ, ठीक है ना? करंट और स्टैटिक होगा सिर्फ। तो चलिए, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हम जल्द ही मिलेंगे और अपना करंट और स्टैटिक का सेशन पूरा करेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए और लर्निंग की हैबिट को हमेशा बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।